जो फ्यूल का ये जो कैप्सी है ना, ये प्लास्टिक की बिल्कुल अलग ही दिख रही है। देखो बिल्कुल अलग दिख रही है। अगर कोई इस पे ऐसे पैर भी रखेगा तो इस पे फिर भी खतरा। ये 35 की रहने वाली है और ये कुछ इस टाइप के लग जाएगी। देखो ऐसे लग जाएगी। देखो और जो इस पे ये हंटर लिखा हुआ ना, इसमें आप जो ऑयल का जो है ना लेवल भी देख सकते हो। देखो कितना आराम से दिख रहा है ऑयल लेवल। अब बिल्कुल मजबूत हो गए बढ़िया से। देखो कहीं नहीं हिलेगा। देखो और इसकी जो शाइनिंग है इससे बिल्कुल मैच कर गई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मुनसिफ दोस्त अच्छे हो गए? अगर आपके पास भी रॉयल इनफील्ड की हंटर है तो आपको एक चीज़ बहुत बुरी लग रही होगी। क्या लग रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाला रियर ब्रेक में ये डब्बी, ये बिल्कुल बहुत पतली सी है और बिल्कुल अलग ही दिख रही है। बिल्कुल खुले में रखी हुई है। इधर अगर कोई पैर भी रखेगा तो उस पर भी थोड़ी बहुत टच होगी, या कुछ भी लग जाता है एक्स वाई जेड, या कोई आपसे जलने वाला है अगर उसने इस पर कोई लात भी मार दिया और भी कुछ कर दिया तो ये टूटने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन हमने मंगवा लिया है फ्लिपकार्ट से, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट से हमने मंगवाई ये पत्ती। देखो ये वाली पत्ती, इस पर हंटर लिखा हुआ है। चलो मैं इसके ऊपर खोलता हूँ। ये पत्ती इसकी रहने वाली है और ये कुछ इस टाइप के लग जाएगी। देखो ऐसे लग जाएगी। देखो ऊपर से भी प्रोटेक्शन हो जाएगी, साइड से भी प्रोटेक्शन हो जाएगी और ये नट खुल के ये ऐसा कि ऐसे लग जाएगा। और जो इस पर ये हंटर लिखा हुआ ना, इसमें आप जो ऑयल का जो है ना लेवल भी देख सकते हो। देखो कितना आराम से दिख रहा है ऑयल लेवल, ठीक है ना। देखो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपके पास भी हंटर है तो फ्लिपकार्ट से मैंने 400 रुपये की इसको पत्ती को बाय किया है तो आप इसको लगवा सकते हो। लेकिन इसमें एक कमी है, ये मैट ब्लैक में है और ये जो हमारा ये है ग्लोसी ब्लैक। देखो इसमें फ़र्क है। इसको मैं एक ग्लोसी ब्लैक करूँगा, ठीक है ना। फिर आपसे मिलता हूँ, सीधा इसकी फिटिंग करते हैं और इस पर मैं थोड़ा पेंट मारता हूँ, फिर आपसे सीधा मिलता हूँ इसकी फिटिंग पे। चलो बाय बाय। अगर बात करो इसकी क्वालिटी की तो क्वालिटी दोस्तों इसकी देखो टॉप नोच है। बिल्कुल हैवी है, बिल्कुल हैवी है। देखो और ये जो बना रखे ना ये काफ़ी अच्छे है और आपकी हेल्प भी करेगा। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, जहाँ पे हंटर लिख रहा है इधर आप अपना जो लेवल है वो देख सकते हो, ठीक है ना। बढ़िया चीज़ है। इसको आप, मैं सोच रहा था भाई किसी मिस्त्री से इसको बनवा लेता हूँ, कोई पत्ती वेल्ड वगैरह करवा के मोड़ तोड़ के, तो मैंने सोचा यार फिर जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन इसमें जो मैंने देखा कि भाई हंटर भी लिखा हुआ है और इसमें आपको ऑयल लेवल भी दिख जाएगा, तो फिर मैंने सोचा चल इसको ही बाय कर लेते हैं। अब इसको हम स्प्रे पेंट से हम स्प्रे करने वाले। सबसे पहले इसको मैं पेट्रोल से हल्का सा क्लीन करता हूँ कॉटन के द्वारा, फिर आपसे मिलता हूँ, सीधा स्प्रे मारूँगा। और इसको पेंट करने के लिए मैं जो पेंट यूज़ करने वाला हूँ स्प्रे वाला, वो है एशियन पेंट का। अच्छी क्वालिटी का जो पेंट है हम इस पर यूज़ करने वाले हैं अपने इस पर, ठीक है। चलो मैं पेंट मारता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ दोस्तों। फर्स्ट कोट मैंने मार दिया है, देखो शाइनिंग आ गई ना दोस्तों, ग्लोसी ब्लैक वाले। देखो अभी एकदम भद्दा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा भाई हमने बाहर से लगवाया है, ठीक है ना। आप मैट भी लगा सकते हो, मैट भी इतना भद्दा नहीं लगता, ठीक है ना। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा भाई आप 400 रुपये का ये बाय करो और फिर 250 रुपये का ये बाय करो, तो ये बहुत महंगा हो जाएगा दोस्तों। ये मैं, मेरे पास ये रखा हुआ था पहले से ऑलरेडी, तो मैंने सोचा चल इस पर मैं मार देता हूँ, ठीक है ना। देखो शाइनिंग आ गई ना कितनी बढ़िया। देखो बिल्कुल बारीकी से मारा है। देखो सेकेंड कोट हमने जो है इस पर लगा दिया दोस्तों, और फिनिशिंग देखो सेकेंड कोट में कितनी बढ़िया आई है। पहले कुछ इस टाइप से दिखता था, देखो हल्का सा मैट था ये, देखो अंदर देख रहे हो ना, इधर और इधर देखो और इधर देखो, है ना फ़र्क। तो थोड़ा सा लगने के बाद ये अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा नहीं भाई आफ्टर मार्केट जो है ये चीज़ करवाइए। चलो अब इसको इंस्टॉल करते हैं फिर आपसे मैं मिलता हूँ। ये खड़ी अपनी रॉयल इनफील्ड हंटर, इसमें सीधा अभी ये डालते हैं। इसमें ये लगाते हैं, पहले ये मैं नट खोलता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। इस बोल्ट को ढीला करना है, पत्ती लगा के इसको टाइट कर देना। मैं सीधा मैं कट्स कसता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ दोस्तों। फिटिंग मैंने कर दी है दोस्तों, एक ये 8 नंबर का नट लगा हुआ है, ठीक है। इसको ओपन करके इसको लगा सकते हैं। देखो अब बिल्कुल मजबूत हो गए बढ़िया से। देखो कहीं नहीं हिलेगा। देखो और इसकी जो शाइनिंग है इससे बिल्कुल मैच कर गई, एकदम अलग सा नहीं लग रहा, भद्दा सा नहीं लग रहा, ठीक है ना। ये चीज़ें आप कर सकते हो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हंटर से रिलेटेड हम ऐसे वीडियो आने वाले समय में लेके आते रहेंगे। बाय बाय।